और एक बार हम चलते हैं सीधा वॉशिंगटन, अमित प्रकाश मेरे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अमित, ऐसी तस्वीरों से आभास हो रहा था कि शायद ब्लेरा से निकल रहे हैं पीएम और इस मुलाकात की पूरी तैयारी है, क्या इस वक्त की तस्वीर है, क्या खबर? सचिन, सीधी तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखाना चाहेंगे। व्हाइट हाउस के ठीक सामने हम लोग मौजूद हैं और अब से तकरीबन यहाँ के वक्त के हिसाब से आधे घंटे बाद राष्ट्रपति ओबामा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुलाकात इसी व्हाइट हाउस के अंदर होगी तमाम अलग अलग मुद्दों पर। और हम यहाँ से लगातार अलग अलग जगहों से, चाहे वो कैपिटल हाउस बिल्डिंग हो, व्हाइट हाउस हो या फिर ब्लेयर हाउस हो, हर जगह से हर एक अपडेट, हर एक तस्वीर आप तक पहुंचा रहे हैं। फिलहाल ये सीधी तस्वीर व्हाइट हाउस के ठीक सामने से, जहां कॉर्डन ऑफ कर दिया गया है। अभी पब्लिक इधर, ये पब्लिक एंट्री है लेकिन फिलहाल इसको बंद कर दिया गया है इस मुलाकात के मद्देनज़र। कई सारे मुद्दे हैं, हमारे साथ गेस्ट थे सचिन, जो गेस्ट हमारे साथ स्टूडियो में है वो बता रहे थे। सबसे जो बड़ा मुद्दा है सचिन, जिस पर आज एक अहम फैसला लिया जा सकता है, वो MTCR मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजीम का मुद्दा है, जिसमें G7 कंट्रीज हैं। हम दर्शकों को बता दें कि MTCR आखिरकार है क्या। G7 देश, जिसमें कनाडा है, फ्रांस है, जर्मनी है, इटली है, जापान है, यूनाइटेड किंगडम है और यूनाइटेड स्टेट्स है। इसमें पिछले ही साल भारत ने आवेदन किया था, अप्लाई किया था। और ये भी कहा जाता है कि कई सारे जो शक्तिशाली देश हैं G7 के, वो विरोध करते रहे हैं भारत की सदस्यता का। तो आज की मुलाकात का एक सबसे बड़ा पॉइंट ये होगा कि इस ट्रीटी को लेके, इस MTCR को लेके क्या ओबामा नरेंद्र मोदी के मुलाकात के बाद कोई फैसला लेते हैं, कोई कुछ अहम घोषणा की जाती है उनकी तरफ से, इस पर पूरी दुनिया की नज़र है। और उसके साथ साथ कई सारे बायलैटरल इश्यूज पर भी हैं बातचीत हो रही है। कई सारे थिंक टैंक्स जो यहाँ US में हैं, उनसे बातचीत लगातार पिछले 3 दिनों से हम लोग कर रहे हैं। और उसमें एक बात जो निकल के आ रही है कि अब तक की जितनी भी मुलाकात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति ओबामा की हुई है, उसमें जिन जिन मुद्दों पर बातचीत हुई है, जिन जिन मुद्दों पर एग्रीमेंट की बात हुई है, इस बार राष्ट्रपति ओबामा का कंसर्न सबसे बड़ा ये होगा कि आखिरकार इम्प्लीमेंटेशन के लेवल पे वो चीज़ें कहाँ तक आगे बढ़ी। बिल्कुल बिल्कुल, और शायद यही एक आखिरी मौका है। अचल जी, यहाँ पर ये भी कहा जा रहा है कि एक हलकों में ये बात भी चल रही है कि इम्पॉर्टेंट यहाँ पर सिर्फ ये इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है कि NSG या फिर जिस क्लीन एनर्जी की बात की थी या फिर क्लाइमेट चेंज की बात PM ने की थी, उसको यहाँ पर करना, ये कहीं ना कहीं एक आउटगोइंग प्रेसिडेंट, जो कि 2 महीने के लिए ऑलमोस्ट काम नहीं होगा, उस प्रेसिडेंट के लिए भी एक इम्पॉर्टेंट है कि वो एक ऐसी डील क्लिंच करके जाए, वो भी इंडिया के साथ, जिसका प्रारूप लगभग तैयार हो चुका था। शायद अमेरिका की तरफ से भी उतनी ही कोशिश की जा रही है। जी हाँ, अगर आप बिल्कुल संक्षेप में याद करने की कोशिश करें तो आज हम जो न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप की मेंबरशिप की बात कर रहे हैं, इसका जो प्रिकर्सर था वो था न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप का जो वेवर जो हमें 2008 में मिला था, और उसको दिलवाने में जितना हाथ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का रहा है, वो बिल्कुल किसी और ने उतना इम्पोर्टेंट रोल प्ले नहीं किया। आई हैड द प्रिविलेज टू विटनेस दिस इन वियना, खैर वो दूसरी बात है। तो मैं ये कह सकता हूँ कि ये एक ना सिर्फ हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है, ये एक लॉजिकल, जिसे कह सकते हैं आप NSG के वेवर का जो लॉजिकल प्रोग्रेशन है, वो उनकी NSG की मेंबरशिप है। और जितनी वो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है, उतनी ही अमेरिका के पर्सपेक्टिव से हमें दिलाना भी उतना ही इम्पॉर्टेंट है। कहना गलत नहीं होगा कि अगर ये हमारे लिए प्रेस्टीज इशू है तो उनके लिए भी प्रेस्टीज इशू है। और उन्होंने जितनी आर्म ट्विस्टिंग न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप का वेवर के टाइम पे करी थी, मैं उम्मीद करूंगा कि अगर कहीं जो थोड़ी बहुत अड़चन आ रही है, प्रत्यक्ष रूप से तो चाइना की तरफ से आ रही है, तो मुझे ऐसा कहा जा रहा था कि बैक चैनल टॉक्स हो रही है चाइना से, लेकिन फिर वो कुछ विरोध था। लेकिन अभी ये जो जिस तरीके की खबर सामने आई कि कंट्रोल ग्रुप में अगर एंट्री हो सकती है, तो क्या आपको लगता है कि थोड़ा सा चाइना की तरफ से कुछ? देखिए, चाइना का ये जो पाकिस्तान के साथ हाइफनेट करना इंडिया को, ये तो बहुत पुरानी गेम है। इसे आप गेम प्लान भी कह सकते हैं, ये आप कह सकते हैं कि अपने अलाई का बहुत ही कमज़ोर केस है जिसे वो इंटरनेशनल फोरम पे रखना चाह रहे हैं। बिकॉज पाकिस्तान की जो इंटरनेशनल रेपुटेशन है प्रोलिफरेशन के मामले में या दूसरे मुद्दों के लेके या फिर वो न्यूक्लियर सिक्योरिटी मैटर्स को लेके, वो इतनी ख़राब है कि कोई भी इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं है कि पाकिस्तान, भारत को अगर सदस्यता मिल रही है तो पाकिस्तान को भी मिलनी चाहिए। एक बहुत ही कमज़ोर कार्ड है जो चाइना ने सामने रखा, और वो NPT का जो नॉन सिग्नेटरी होने का कार्ड है, वो भी बहुत ही कमज़ोर है। पूरी दुनिया में इस बात की जो है ऑलरेडी एक्नॉलेजमेंट है कि इंडिया इज़ ए वेरी वेरी रिस्पॉन्सिबल न्यूक्लियर स्टेट। हम चाहे NPT
साइन नहीं कर रहे हैं लेकिन हम उसकी सब स्पिरिट्स में फॉलो कर रहे हैं। तो ये जो जितने भी चार कंट्रोल रिजीम जो बताए हमारे पैनलिस्ट साथी ने वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये एक बाई वन जब जब हमें इनकी मेंबरशिप मिलती जाएगी तो हम जो इंटरनेशनल मेन स्ट्रीम में आ जाएंगे। एवरी मेंबरशिप वन स्टेप फर्दर हमारी डी फैक्टो रिकॉग्निशन ऑफ अ न्यूक्लियर पावर। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने बात करी ओबामा जी जा रहे हैं, जाहिर है वो ना सिर्फ लेगेसी छोड़ के जाना चाहते हैं, वो उनका एक स्टेटमेंट है, वो तो चाहते हैं कि हिलरी क्लिंटन जीते और उसको जिताने में वो पूरी पूरी मदद करने की बात कर रहे हैं और वो चाहते हैं कि जो जो काम उन्होंने किए हैं वो उसकी कंटिन्यूटी बनी रहे। और मुझे भी ये लगता है कि पिछले 15-20 साल में जो भारत और यूएस के जो रिलेशंस है वो आज ऐसी स्टेज पे पहुंच गए हैं कि ये प्रोसेस इररिवर्सिबल है। कोई भी सरकार कहीं पे भी होगी उसमें थोड़ा बहुत मूवमेंट या उसके मोमेंटम में कमी ला सकती है, बट मुझे नहीं लगता कि राजनीतिक नजरिए से या चश्मे से देखने की कोशिश करते हैं। सुधांशु त्रिवेदी, अगर जिस इस वक्त मुलाकात का जिक्र हो रहा है और जिस एनएसजी और जो तमाम डील्स की बात हो रही है, ये लगातार मुलाकातें होती रही पीएम की ओबामा के साथ, उस इंटीमेसी की भी चर्चा हुई, उस केमिस्ट्री की भी बात हुई और कहीं ना कहीं क्रिटिसिज्म भी हुआ, आज ये जो हो जाता है ये कितना बड़ा एक डिप्लोमेटिक विन आपकी गवर्नमेंट के लिए होगा? देखिए, आज प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति ओबामा के बीच में जो कुछ होने जा रहा है वो भारत और अमेरिका दोनों के संबंधों में एक युगांतकारी परिवर्तन की शुरुआत करने जा रहा है। चाहे वो एनएसजी का मामला हो या हमें अपने मीडियम रेंज एयरक्राफ्ट्स के लिए, कम्बैट एयरक्राफ्ट के लिए टेक्नोलॉजी, इंजन टेक्नोलॉजी प्राप्त करने का विषय हो, या जो हमारे एयरक्राफ्ट कैरियर शिप्स के लिए टेक्नोलॉजी प्राप्त करने का विषय हो, चाहे जलवायु परिवर्तन का विषय हो या क्लीन एनर्जी, अन्य रिलेटेड चीज़ें। अभी जो आपके विशेषज्ञ महोदय कह रहे थे, मैं उसमें एक चीज़ और जोड़ना चाहूँगा कि चीन का जो ये प्रयास है कि भारत और पाकिस्तान को एक साथ जोड़े, ये चीन की ही क्रेडिबिलिटी पर प्रश्न चिन्ह लगाता है, क्योंकि भारत और पाकिस्तान की न्यूक्लियर मामले में रिस्पॉन्सिबिलिटी में अंतर का एक और उदाहरण है कि भारत ने 98 के पोखरण विस्फोट करने के बाद अपनी तरफ से नो फर्स्ट यूज़ डिक्लेरेशन कर रखा है, जबकि पाकिस्तान ने ऐसा नहीं किया है। तो दुनिया में कोई भी व्यक्ति सहज बुद्धि से देख सकता है कि इन दोनों देशों का इतिहास देख लीजिए और जो रिटर्न में एक देश ने कर रखा और दूसरे ने नहीं कर रखा है वो अंतर साफ दिखता है। दूसरा, मैं ये कहना चाहूंगा कि जितनी आज हमारी आवश्यकता है उतनी ही अमेरिका की आवश्यकता है, क्योंकि आज अमेरिका के लिए सबसे बड़ी चुनौती अगर है तो वो उस पैन इस्लामिक टेररिज्म से है जिसका केंद्र कहीं ना कहीं पाकिस्तान में, यानी भारत के एक तरफ। अमेरिका का जो स्ट्रेटेजिक कंपटीशन सबसे ज्यादा है वो चीन के साथ है जो भारत के दूसरी तरफ है। तो ये अमेरिका की एक रणनीतिक बाध्यता है कि वह भारत को मजबूत करे, तभी वह अपने इन दो शक्तियों पर एक प्रभावी नियंत्रण रख सकता है। दूसरा एक तत्कालिक कारण भी है, जैसे आप याद करिए 2008 में जब यूपीए की सरकार थी उस समय मनमोहन सिंह सरकार ने बहुत प्रयास किया था न्यूक्लियर डील करवाने का, मगर जॉर्ज बुश भी उससे ज्यादा इंटरेस्टेड थे क्योंकि उनका कार्यकाल समाप्त हो रहा था और उन्हें लग रहा था कि जाते जाते वो एक ऐतिहासिक करार करके जाएं। कमोबेश वैसी स्थिति इस समय है जब प्रेसिडेंट ओबामा का कार्यकाल समाप्त की ओर है और उन्हें यह लगेगा कि हम कुछ ना कुछ ऐसा ऐतिहासिक करके जाएं ताकि मेरा कार्यकाल याद किया जाए। और अंत में एक बात कहना चाहूंगा कि आज प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जो अमेरिका में जाके कर रहे हैं वो एक ऐतिहासिक गलती का परिमार्जन कर रहे हैं। पंडित नेहरू के समय में अमेरिका के प्रेसिडेंशियल आर्काइव्स जो आइजनहावर के टाइम की हैं उनमें ये उल्लिखित है कि 1959 में भारत ने वह क्षमता हासिल कर ली थी कि एक साल के अंदर हम परमाणु विस्फोट कर सकते थे। अगर हमने 60 या 61 में कर दिया होता तो न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप के पार्ट हम होते, एनपीटी के पार्ट हम होते और शायद चीन का युद्ध ही नहीं होता। वो जो ऐतिहासिक चूक हमसे हो गई थी, कहीं ना कहीं आज 21वीं सदी में जो प्रधानमंत्री प्रयास कर रहे हैं उस हिस्टोरिकल रेक्टिफिकेशन या एक ऐतिहासिक गलती के मुझे लगा क्योंकि आप लेगेसी का जिक्र कर रहे थे तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा क्रेडिट मनमोहन सिंह को देंगे जिस तरीके से न्यूक्लियर डील की गई थी और उस वक्त जो एक बहुत बड़ी बात की गई थी, लेकिन आपने यह कहानी को थोड़ा सा पलट दिया है। अजय कुमार, क्या जवाब देना चाहेंगे? देखिए सुधांशु त्रिवेदी जी, भारतीय जनता पार्टी की पुरानी बीमारी है, अगर इंदिरा गांधी के समय में एटम परमाणु जो बम का जो विस्फोट नहीं करते, अगर हम लोग इतने अगर लगातार अगर आप देख लीजिएगा कांग्रेस पार्टी और इस देश के इतिहास, कांग्रेस पार्टी क्यों, इस देश के जो भी सरकार रही हो,
लेकिन भारतीय जनता पार्टी उनके प्रवक्ता यही इस बीमारी से ग्रसित है कि हर वक्त टीवी चैनल में आकर जो है ना अपने देश को नीचा करने में जो पूरी तरह से लगे रहते हैं। देखिए सचिन जी, सबसे बड़ी चिंता इस सरकार से क्या है कि हम लोग ने इतने बढ़ चौड़े करके बात की है एनएसजी के बारे में। अभी चीन जिस तरह से रवैया कर रही है, अजहर महमूद को जिस तरह से बचा रहे हैं, पाकिस्तान और भारत को एक साथ रख दिया, पाकिस्तान भारत को एक दर्जे में रख दिया है, तो ये सब जो चिंता के विषय है। और आप देख लीजिएगा हम लोग को जो इस देश के नागरिक को क्या क्या चिंता होनी चाहिए। एक तो ये भारतीय जनता पार्टी पूंजीवादी सरकार ने इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स का, बौद्धिक संपदा अधिकार, उस पर जो है इन्होंने पूरा पलट यूटर्न कर लिया है। इसके चलते हुए जो दवाई जो है हम लोग पहले जो सस्ते में अपने जनता को जो हमारे देश के नागरिक को दे सकते थे, और एक उदाहरण मैं देता हूं, गिलियड का हेपेटाइटिस सी वैक्सीन है, एक डायबिटीज का ड्रग है, मैं आपको एनएसजी के माध्यम से सीधा अमेरिका ले गया था और आप वापस नीचे दवाई पर ले आए। मैं वापस लौटूंगा आपके पास और एक बार फिर से हम चर्चा करेंगे एनएसजी की और ये जो मुलाकात शुरू होने वाली है, क्योंकि चाइनीज एंगल जो आपने उठाया। अजय कुमार जी, मैं जानूंगा आपके वक्त भी क्या चाइनीज पॉलिसी उस वक्त रही थी।